भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम के कांस्य पदक मुकाबले में स्वीडन की एम्पा जोना मालग्रेन को हराकर इस संपदा में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। बता दें कि 53 किलो भारे वर्ग के रैम्पेज मुकाबले में स्वीडन की रेसलर एम्पा जोना मालग्रेन को 8-0 से हराया था। इसी के साथ विनेश ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इससे पहले उन्होंने 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता था। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलो भारे वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में स्वीडन की एम्पा जोना मालग्रेन को हराकर इस संपदा में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। विनेश ने 2019 में नूर सुल्तान में भी कांस्य पदक जीता था। क्वालिफिकेशन राउंड में हार के बाद विनेश ने शानदार वापसी की। उन्होंने कांस्य पदक में मालग्रेन को 8-0 से हराया था। हरियाणा की रहने वाली विनेश फोगाट ने पहले भी कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में विनेश ने कुश्ती में लगातार 3री बार गोल्ड मेडल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। इससे पहले उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। विनेश ने 55 किलोग्राम भारे वर्ग कुश्ती में स्वीडन की महिला पहलवान सोफिया मैकडेलेना मैटरसन को पहले ही राउंड में 7-1 से हरा दिया था और क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन क्वार्टर फाइनल्स मुकाबले में उनकी किस्मत अच्छी नहीं रही और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।